हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अगर आप लोगों का ट्रॉली बैग लॉक हो गया और उसका पासवर्ड आप लोग भूल गए हो और आपने दूसरी वीडियोस देखी मगर कोई हेल्प नहीं हुई, क्योंकि ये TSS 007 वाला लॉक होता है, इसमें कोई भी गैप वगैरह यहाँ पर नहीं होते, तो काफ़ी डिफरेंट सी ट्रिक है। तो आपके साथ इस वीडियो में मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा जिससे शायद आपका लॉक जो है ओपन हो जाए, मगर उससे पहले आप लोगों को समझना होगा कैसे ये लॉक वर्क करता है। तो देखिए, हर डायल के नीचे कुछ इस तरह से गैप होते हैं और जब वो एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो कॉम्बिनेशन लॉक जो ऐसे ओपन हो जाता है। तो काफी सिंपल है, हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। और इसके लिए आप लोगों को ऐसे पेपर के छोटे छोटे 4-5 पीसेस कट कर लेने अच्छे से, और इनकी मदद से हम लोग गैस करेंगे कि कहाँ पर होल है। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट या राइट साइड में दोनों साइड में डाल के देखेंगे, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्राई करके देखा है तो मुझे पता है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर मुझे मिलेंगे गैप। तो अभी मैं जहाँ पर डाल के देख रहा हूँ तो एकदम मेरे को कर्व फील हो रहा है, राउंड फील हो रहा है, और ऐसे ही आपको एकदम पेशेंस के साथ एक एक नंबर को चेक करना है। कुछ इस तरह से देखिए, 1 पे मैं ट्राई करता हूँ और 1 पे भी मुझे यहाँ पर अंदर की साइड में एकदम दूसरी साइड से डालते पेपर। तो पेपर काफ़ी पतला होना चाहिए कुछ इस तरह से, जो कि अंदर चला जाए, और थोड़ा हार्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मुझे कर्व फील हो रहा है एकदम। और नंबर 2 पे देखते हैं तो इधर भी एकदम कर्व जैसा ही लग रहा है। तो आपको अगर कुछ डिफरेंट सा फील होगा, यहाँ पर नंबर 3 पे भी देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी एकदम कर्व है, तो एकदम राउंड है। और जो भी गैप आएगा जब, तो हमें पता चल जाएगा, इजीली हमें महसूस हो जाएगा। और नंबर 4 पे भी यहाँ पर मुझे कर्व फील हो रहा है। नंबर 5 पे भी देख लेते हैं, यहाँ भी कर्व है। नंबर 6 पे देखते हैं, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अटक रहा है ये पेपर, तो इसका मतलब यहाँ पर होल हो सकता है। और काफ़ी ऐसा देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे पेपर अटक रहा है और थोड़ी आवाज़ जैसी भी यहाँ पे लग रही है। तो इसको हम लोग फाइनल करेंगे नंबर 6 को, और इसी तरह मैं जो दूसरे डायल है उनमें भी ट्राई कर लेता हूँ फटाफट और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर नंबर 5 में मेरे को देखिए यहाँ पर अटकता हुआ दिख गया, और अब जो है लास्ट डायल है इसको भी मैं ट्राई करता हूँ। नंबर 1 पे यहाँ पर एकदम कर्व फील हो रहा है मुझे। नंबर 2 पे देखते हैं, पेपर को आप रोटेट कर सकते हो एकदम, जो शार्प कॉर्नर होता है यहाँ पे देखिए पेपर अटक रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर होल हो सकता है। तो 6, 5 और 2 नंबर यहाँ पर आ रहा है। और अगर किसी भी एक भी डायल में आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो उसको याद रख लेना, और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अभी 6, 5, 2 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रोटेट करेंगे एक साथ तीनों डायल को, 6 को 5 कर देंगे, 4 कर देंगे 5 को, और 2 को 1 कर देंगे। कुछ इस तरह से हम लोग जो है रोटेट कर करके चेक करेंगे सारे पासवर्ड्स को, और कुछ इस तरह से जो हमने होल्स को, और जैसे जैसे हम डायल को घुमाएंगे जो होल्स फ्रंट में है वो पीछे की साइड चले जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो 5वां या 6ठा कोड होगा वही आपका पासवर्ड होगा। मगर हम लोग सभी को ट्राई करेंगे, क्या पता कि इसमें कैसा मैकेनिज्म हो, हर लॉक में अलग अलग मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर देखिए 218 भी काम नहीं किया, और अब जो है 107 को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए 107 वर्क कर गया है यहाँ पर। तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन में से जो एक आपका पासवर्ड रहेगा, और अगर किसी भी डायल में आप लोगों को थोड़ी भी जो है डाउट हो कि वहाँ पे होल है या नहीं है, तो थोड़े से कॉम्बिनेशन आपके बढ़ जाएंगे और मेहनत भी थोड़ी बढ़ेगी यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से एकदम शांति से आपको फील करना है कि कहाँ पर होल्स है, और फिर उसको रोटेट करना है, क्योंकि हम लोग इसमें देख नहीं सकते, अंदर एकदम पैक किया गया है ये लॉक। और अब जो है हम इसको रीसेट कर देंगे, यहाँ पर कुछ प्रेस करना पड़ेगा हमें, ये छोटा वाला बटन है TSA लॉक को इस तरह से रीसेट करना होता है। तो यहाँ पर अब 000 कर देता हूँ मैं फटाफट इसको, और जो है आपको बता देता हूँ कैसे ये रीसेट होता है। तो अब ये 00 हो गया है, और अब जो है हमें लॉक का बटन प्रेस करना है, और ये हो गया है रीसेट यहाँ पर। और अगर ये वाली ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करे तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो लॉक की चाबी है यहाँ पर, इसकी जगह में कोई सीजर्स वगैरह होती है छोटी, वो डाल के या फिर स्क्रू ड्राइवर डाल के लॉक खोलने की कोशिश कर सकते हो, या जो अमेजोन पे अवेलेबल रहती है TSA लॉक की वगैरह, उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ही अर्जेंटली लॉक ओपन करना है, अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सा रखा हुआ है, तो इस चाबी के हैंडल को इसके की के हेड से अलग करने की कोशिश करो, क्या पता आपका सूटकेस खुल जाए। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, वीडियो को शेयर जरूर से करना, और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ ये ट्रिक आपको वर्क करती है या नहीं करती है, जो भी हो बस कमेंट कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला। जय श्री कृष्णा।